हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो ये है पितृपक्ष का सेकेंड पार्ट, जो कि मैं आपके सामने लेके आ रही थी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने जो है टू पार्ट्स में इसे कर दिया था। और मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि पूजा से पहले कुछ खाते नहीं है, मैंने खा लिया था तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अनजाने में की गई गलती भगवान भी माफ़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं गंगा जी से, और इन्होंने गंगा जी का शूट नहीं किया है तो मैं नहीं डाल सकती, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो बस कर रहे हैं तैयारी पूजा पाठ वगैरह करने की। पापा जी की फ़ोटो तो मैंने पहले ही यहाँ लगा दी थी, अब बस ये जा रहे हैं पूजा करने के लिए अपना। और उधर मेरी सब्ज़ी जल रही थी तो मैंने सब्ज़ी को बंद कर दिया गैस, और इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाने में लग गई कि मेरे हस्बैंड किस तरह से करते हैं पूजा। और मैंने इनको कहा कि पालथी मार के बैठ जाइए, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही बैठा जाता है पितरों की पूजा के लिए, तो ये ऐसे ही बैठ के अपना कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लीन होके कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं, याद करते हैं अपने बड़ों को, और पहले भी बहुत ज़्यादा मानते थे। ऐसा नहीं है कि जब वो लोग नहीं हैं इस दुनिया में तभी हम लोग मानते हो, मतलब मेरे हस्बैंड मानते हो, ऐसा नहीं है। जब तक वो थे तब भी बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे हस्बैंड अपने पापा जी को, मम्मी जी को, सबको। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पूरा पूजा आराधना, और इसको जो है बहुत विधिवत तरीके से करना चाहिए, बहुत फलदायक भी होता है, और बहुत लोग के जगह अलग अलग तरीके से होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से होता है वो मैं आपसे शेयर करने की, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि हम लोग हर चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, दिखाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं ये भी दिखाती हूँ। और इन्होंने जो है बाल भी अपने बनवा लिए हैं, आप देख सकते हो, और ये हर बार हर साल ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से पूरे बाल को समर्पण कर देते हैं और बस पूजा आराधना कर रहे हैं अपना। और इधर जो है जैसी पूजा हो जाएगी तो मैं खाना निकालने लगूंगी। पांच जगह खाना जो है निकलता है फ्रेंड्स, वैसे तो चार जगह निकलता है लेकिन हम पांच जगह निकालते हैं। एक जगह पापा जी के लिए, एक जगह कौवे के लिए, एक जगह कुत्ते के लिए निकाली जाती, एक जगह गाय के लिए, और एक जगह हवन करने के लिए निकाला जाता है। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ, और इसके बाद सारा प्रोसेस जो है करेंगे। जैसे कि बड़े एकदम लीन होके, मगन होके ये सब श्रद्धा से करना चाहिए फ्रेंड्स, मैं भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये सब पूजा पाठ वगैरह ना, मेरा बहुत दिल लगता है, बहुत मन लगता है इन सब चीज़ों में, तो सब कर रही हूँ। एक गलती मुझसे हो गई जो कि अब नहीं होगी, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मुझे पता नहीं था। और उधर मेरे हस्बैंड जो है कंडी वगैरह सुलगा रहे हैं आहुति देने के लिए, मतलब हवन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल देती हूँ, और आगे का प्रोसेस वीडियो के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए, म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए। Thank you.
उसके बाद फ्रेंड्स पूजा पाठ वगैरह करते बच गए थे घड़ी में 11 और बहुत जोरों की भूख जो है वो हम लोगों को लग चुकी थी। तो बस यहाँ पे जो है ये जो बड़े बनाए थे हम लोगों ने वही चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। और फिर कुछ देर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स पितृपक्ष ख़त्म होते ही अगले ही दिन से लग जाते हैं नवरात्रे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है 9 दिन तक। तो बस नवरात्रे लगने वाले हैं अगले दिन, तो मैंने अपने मंदिर की क्लीनिंग करनी थी तो उसे मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने क्लीनिंग की थी जब मैंने चेंज किया था थोड़ा लोकेशन अपने हॉल का, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से इस बार डीप वाली क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छे से पूरे फोटो वगैरह को पूछूंगी और ये कपड़े वगैरह को अच्छे से धोऊंगी। और मैं मम्मी से यहाँ बतिया रही हूँ, आप ये मत मुझे सोचना कि पागल है जो अकेले में बड़बड़ा रही है। और बहुत से लोग मुझे पागल औरत कह के चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग की आँखें हैं कि क्या हैं, आपको पागलों में और सरेख में फ़र्क नहीं नज़र आता है। लेकिन पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसा किसी को कमेंट करके, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलती उल्टा सीधा, चाहे मेरे साथ किसी ने कुछ भी कितना भी गलत किया हो। तो बस पूरे श्रद्धा से जो है माँ के स्वागत की तैयारी में लग गई हूँ। मेरे को अभी पूरा बाहर का भी धुलाई करना है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो उसकी भी धुलाई करना है। वो करूँगी मैं मॉर्निंग में, पहले कर लेती हूँ अपने मंदिर की सफाई अच्छे से। और ये मैं पोंछ देती हूँ ऊपर से ये, और इसके बाद जो है कपड़ा धो के फैला दूँगी और फिर एक एक फ़ोटो तस्वीर वगैरह सब पोंछती चली जाऊँगी मैं। और फिर इसको मैं अच्छे से सजा भी दूँगी। कैसे सजाऊँगी क्या सजाऊँगी वीडियो के साथ बने रहिए, दिखेगा सब मैं कैसे सजाती हूँ कैसे नहीं सजाती हूँ। और मैं जो हूँ ना फ्रेंड्स 9 दिन का इस बार व्रत उठाने वाली हूँ। जितना जैसे जो मुझसे बन पड़ेगा उस तरह मैं रहूँगी। माता रानी से प्रार्थना कर लूँगी कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उतनी चीज़ें कर सकूँ, तो जितना जो ऐसा होगा मेरे पास मैं वैसा करूँगी और आप लोग से शेयर करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। और है मेरे मन में कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें जब पूरी हो जाएगी तो बताऊँगी आप लोगों से। तो चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में इसका कैसा मैं सजाती हूँ इसे। फ्रेंड्स ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। मेरे पास लाइट थी तो वो भी मैंने लगा दी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपको मैं मिलूंगी कल के वीडियो में माता रानी की पूजा आराधना के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ बाद में, बाय टाटा टेक केयर सबको, जय माता दी।